नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। शहनाज गिल की छिछोरी हरकतें देखकर सलमान भाई को भी आ गई शर्म। लोगों ने क्यों किया शहनाज गिल को ट्रोल, आइए आपको बताते हैं। सोमवार की रात को बॉलीवुड के दबंग खान सलमान की बहन अर्पिता खान ने ईद के मौके पर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें बॉलीवुड के नामी सितारे खूबसूरत देसी अवतार में शिरकत करते नजर आए। लेकिन शहनाज गिल इस पार्टी नाइट की सारी लाइमलाइट बटोर ले गई। सलमान खान उन्हें बाहर तक छोड़ने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान शहनाज गिल काफ़ी ट्रोल भी हो रही है। दरअसल शहनाज की सलमान के साथ पार्टी से बाहर निकलते समय की एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें वह सलमान खान के साथ ही नजर आ रही थी। लेकिन यूजर्स शहनाज को ये कहकर ट्रोल कर रहे हैं कि शहनाज का बिहेवियर सलमान खान को लेकर सही नहीं था और वह कुछ ज़्यादा ही छिछोरी हरकतें कर रही थी। चलिए आपको कुछ ऐसे ही कमेंट्स बताते हैं। एक यूज़र ने कहा, सोशल मीडिया का ड्रामा, सलमान भाई को भी ये छिछोरा बिहेवियर देखकर शर्म आ रही है। वही दूसरे ने कहा, बिल्कुल सही है, ये है ही छिछोरी। एक ने कहा, बहुत चिपकू है, इसको तो बस लड़कों से चिपकने को दे दो। अन्य यूज़र ने कहा, शी इज़ एक्टिंग लाइक अ छिछोरी, ओवर एक्टिंग की दुकान। तो एक ने कहा, सच में ये क्या नाटक कर रही है, गार्ड को बोलो इसको बाहर निकाले। हालांकि शहनाज के चाहने वालों ने इन सब का मुंहतोड़ जवाब भी साथ ही साथ दे दिया। शहनाज के सपोर्ट में एक यूज़र ने लिखा, अरे उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उसको मिल रहा है तो तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो, सिद्धार्थ के पीछे रोकर जिंदगी निकाल दे क्या, अच्छा है वो खुश तो रह रही है। वही एक यूज़र ने कहा, वह हमेशा सलमान खान को सर कहकर रिस्पेक्ट देती है, क्यूटेस्ट बॉन्ड। क्या आपको भी लगता है कि शहनाज गिल कुछ ज़्यादा ही ओवर कर गई, या ये सलमान और शहनाज का क्यूट सा बॉन्ड है जो कईयों को तो पसंद आया लेकिन कईयों को ओवर लगा, इस बारे में आपको क्या लगा? वैसे मुझे तो ये नेगेटिव कमेंट करने वाले सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस लग रहे हैं। उनके हिसाब से शहनाज को अपनी पूरी ज़िंदगी केवल और केवल सिद्धार्थ के गम में बिता देनी चाहिए। भला ऐसा भी होता है क्या? शहनाज की भी अपनी ज़िंदगी है, अब उसे अपनी ज़िंदगी जी लेने दो भाई। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।